हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो देखिए, SBIPO का रिजल्ट आ गया है, हमें पता है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैंने बताया अभी था आपको टेलीग्राम पे भी। तो एक एक करके सबका इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि आप इनकी जो स्ट्रैटेजी है या इनका जो स्ट्रगल है, इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी। तो और एक तरीके से एक होता है ना, जो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम क्लियर किया है, उनके क्या फेलियर्स रहे या उनकी क्या बीच में छोटी सी भी छोटी लर्निंग रही है, शायद इनकी स्ट्रैटेजी से आपको कुछ मिल जाए, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, आर्यन। तो आर्यन नेगी, आई थिंक आप इनसे मिले हैं, बट हाँ, जो नहीं मिले हैं, इनका फाइनल SBIPO में सिलेक्शन हो गया है, तो इनसे इन्हें मैं वेलकम करती हूँ टेस्ट बुक पे यूट्यूब पे वंस अगेन। आर्यन, हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। पहली बात तो टाइम देने के लिए थैंक यू, और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को, कैंडिडेट्स को। मेरा नाम आर्यन नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आर्यन, कब शुरू हुई ये जर्नी? कब आप, किस ईयर में ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था? कब आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? वहाँ मतलब शुरुआत से बता दो। हाँ मैम, मैंने 2022 में BSc फिजिक्स ऑनर्स किया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद मैं MSc कर रहा था फिजिक्स में लास्ट ईयर, एंड देन आई लेफ्ट द कोर्स मिडवे एंड बिगेन माय प्रिपरेशन जर्नी इन बैंकिंग इन अगस्त ऑफ लास्ट ईयर। ओके, तो मतलब टारगेट आपका क्या था कि SBIPO ही देना है या और भी एग्जाम्स दिए हैं, कुछ और एग्जाम्स क्लियर किए हैं? मैम, टारगेट तो मेरा सारे बैंकिंग एग्जाम्स था, IBPS, PO, IBPS क्लर्क, SBIPO एंड SBI क्लर्क। मैंने सारे एग्जाम्स ट्राई करे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट शुरू करा अगस्त में, तो मेरा उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं था बाकी एग्जाम्स के लिए। SBIPO के लिए मुझे थोड़ा 3 months का टाइम मिल गया था थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए। 3 months में क्लियर करना बहुत बड़ी बात है ना SBIPO। तो और कौन सा एग्जाम हुआ है जो आपने क्लियर किया है? मैम, IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू का। यस मैम। ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जैसे ही रिजल्ट देखा, जिस दिन रिजल्ट आया आपको? मुझे पहले बताओ, कहां से पता चला? एक तो रिजल्ट आ गया है, किसने कॉल करके बताया, और फिर फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जो रिजल्ट आया 19th मार्च को, मैं उस दिन, मेरा 20th मार्च को IDBI जैम का मेडिकल था चंडीगढ़ में, और मैं बस में ट्रेवल कर रहा था उस टाइम। तो आपके टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन आती है 1:39 पे दिन को कि SBIPO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, और मैं अपनी मदर के साथ बस में ट्रेवल कर रहा था चंडीगढ़ को, और हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे तब को फिर मैंने आपका नोटिफिकेशन पढ़ा और उनको बताया कि फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो अब चेक करते हैं। तो फिर हम बस में ही थे, हमने चेक करा और मैंने अपना रोल नंबर फिल करा और देखा कि वहाँ आ चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगा, पर उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा पब्लिक में भी थे और बस में ट्रेवल कर रहे थे, तो फिर थके हुए भी थे काफी। मम्मी को तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा है, वो अभी भी बोल रहे हैं अपना रोल नंबर चेक कर ले अच्छे से तेरा ही गया। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब और मतलब देखो, एक होता है ना, स्ट्रगल होता है, लाइक यूजुअली जब ग्रेजुएशन के बाद लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी, ठीक है, तो ये भी रहता है ग्रेजुएशन के बाद एकदम से क्या बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती कि मतलब बैंकिंग में जाना है, फिर एक बार डिसीजन लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो आपकी जर्नी, मतलब मैं ये बोलूंगी कि आपने काफी फास्ट प्रिपरेशन करके आपने क्लियर किया है, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, आर्यन, क्या रीजन रहा होगा? बेसिक स्ट्रॉन्ग थे? यस मैम, काफी शॉर्ट टाइम में एग्जाम क्लियर किया SBI का, क्योंकि मैंने एग्जाम ऐसे दिया जैसे मतलब लोग लास्ट अटेम्प्ट में, फाइनल अटेम्प्ट में जिस प्रिपरेशन से बहुत हार्ड वर्क करके देते हैं, उस सोच से लिया मैंने। डे वन से बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता था अपना, कहीं पे बाहर नहीं जाता था, कहीं पे दोस्तों के साथ भी कुछ नहीं करता था, बस अपने रूम पे पढ़ता रहता था। और ये माइंडसेट बना था कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है और इसी अटेम्प्ट में निकालना है। और मम्मी बोलती थी कि इस साल तुम केवल एक्सपीरियंस के लिए दे दो, ट्राई करने के लिए दे दो कि कैसा होता है लेवल, क्या होता है, बट मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने उन्हें कहा कि मैं इसी साल निकाल के बताऊंगा आपको कोई एग्जाम बिफोर डिसम्बर लास्ट ईयर का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये क्लैरिटी ये स्टूडेंट्स में ज्यादा तो नहीं रहती है कि मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है,
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली एक मैसेज आ रहे हैं जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि मत सोचिए कि एक एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर, आपका तो 1 ईयर चला गया ना एक्सपीरियंस लेने में, तो अपना और ज्यादा कंपटीशन ऐड होगा, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो भी कम्पीट कर रहे होंगे आपके साथ। मतलब बढ़ता ही जा रहा है कंपटीशन, बढ़ता जा रहा है, अनसर्टेनिटी भी होती है, फिर कुछ पैटर्न चेंज हो गया, कुछ नया इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये चेंजेस भी होते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके, तो आई रियली लाइक दैट एटीट्यूड कि मुझे निकालना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मोटिवेशन भी नहीं रहता, मोटिवेशन कर दिया था मम्मी को। यस मैम, चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, अब हम अगर सेक्शन वाइज बात करें, लाइक हाउ डिड यू डिवाइड योर डे, लाइक ईच डे, जैसे आपने कहा बाहर तो नहीं जाते थे, यू यूज्ड टू डेडिकेट योर फुल टाइम इनटू प्रिपरेशन, तो अपना रूटीन आप एक बार शेयर कर दो सबके साथ। यस मैम, मेरा तो रूटीन ये था कि मैं जितनी भी प्रिपरेशन की है पूरे टाइम पे सब्जेक्ट्स की सारी, वो मेरी रात को ही होती थी, मैं पूरी रात बैठ के पढ़ता था और दिन को सोता था, रेस्ट करता था और फिर से क्लासेस ज्वाइन करता था, देखता था और फिर उसके बाद रात को प्रैक्टिस करता था सब बैठ के, पूरी रात बैठ। मतलब ठीक है, वो रूटीन था। हाँ, सबका होता है कि कुछ मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। डेली यू यूज्ड टू गिव टाइम टू एवरी सेक्शन? मैम कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक सेक्शन में बहुत इंडल्ज्ड हो जाता था और इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि खाली एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहा हूँ, बट मजा भी आता था पढ़ने के लिए। आप मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी काफी अच्छी वैसी रही है कि मैंने पूरा इंटरेस्ट लिया है सब कुछ सीखने में, और ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे जबरदस्ती ये करना पड़ रहा है या ये भी पढ़ना पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, मैंने इंटरेस्ट के साथ सारे टॉपिक्स कवर करे सब सब्जेक्ट। आर्यन, एक और चीज था, जैसे आपने बोला कि डिपेंड करता है, मैं एक टॉपिक पे या एक सेक्शन में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाता था, राइट? तो कुछ होगा ना आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट वीक पार्ट, तो आप कैसे मैनेज करते कि स्ट्रॉन्ग पार्ट को कम टाइम दे, वीक को ज्यादा, मतलब वो डिविजन कैसे किया आपने? मैम मेरे को ऐसा लगता था कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैं उसको लाइक उसकी सिर्फ प्रैक्टिस मॉक्स ही लगाता था मोस्टली ज्यादातर, और मेरे को ऐसा लगता था कि क्वांट मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स ही होता है सारा, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है और सबसे ज्यादा टाइम देना होता है, रीजनिंग में भी पजल, सिटिंग अरेंजमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम देना पड़ता है, तो ये चीजें, और जो हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते थे जैसे रीजनिंग में पजल ही होता है, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन होता है, पैराजम्बल होता है जो 5 to 7-8 मार्क्स के आ जाते हैं, तो मैं ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था जो कि टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हो एग्जाम में। अब ये भी होते हैं स्टूडेंट्स में, भाई पैसेज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो पता है कॉम्प्रिहेंशन हाईएस्ट वेटेज है, पर सबसे कम वही प्रैक्टिस करते हैं, जो पसंद है वो ज्यादा करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो वीक जो आपको पता है ऑलरेडी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी यही हुई कि भाई पता है कि मैक्सिमम मार्क्स इस टॉपिक से आएगा हर एक इस सेक्शन में, तो वो ज्यादा उस पर आप टाइम दो, राइट? यूजुअली जो लोगों को पसंद आता है वो उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, ये टॉपिक पसंद है, तो ये भी एक चीज है नोट करने की। अच्छा, एक और चीज है आर्यन, जैसे मैं पहले देखो इसमें तो काफी ज्यादा स्टेजेस होते ही हैं SBIPO में, राइट? हाँ, 5 स्टेजेस तो रहते ही हैं, अभी कोविड के टाइम नहीं हुआ था बट अब तो ये हो गया है कि साइकोमेट्रिक भी लेते हैं, जीडी तो प्रीलिम्स के बाद, पहले मैं मेंस की बात करना चाहती हूँ, जीए एक फैक्टर होता है आजकल जिसे लोगों को डर लगता है क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लंबे लंबे से आ जाते हैं, तो जीए की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मैम जीए मैं न्यूज़पेपर से और यूट्यूब से कवर कर लेता था, जो भी बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज होती थी जैसे SBI से रिलेटेड, RBI से रिलेटेड, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, सर्कुलर्स आ रहे हैं RBI के, कोई नया स्कीम आ रहा है गवर्नमेंट का, तो वो सब मैं यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेता था, और न्यूज़पेपर पे तो अपडेट्स आते ही है, और टेलीग्राम में चैनल्स भी है जो कि न्यूज अपडेट्स देते रहते थे, तो ये मैंने एक हैबिट बना दी थी हर रोज की कि सुबह उठ के ये सब न्यूज पढ़नी है, और जीए भी इसमें कवर हो ही जाता था। जो कितने आवर्स जीए को? मैम जीए को ज्यादा नहीं बट एवरी डे 1-1.5 आवर तो मस्ट है अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में। मतलब प्री के बाद या ओवरऑल डेली रूटीन ही था 1 आवर देना? ओवरऑल मैम प्री के टाइम से पहले से, क्योंकि 15-20 days में नहीं हो पाएगा वो ना जी, प्री के बाद का टाइम हमें हमेशा लेना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ सोच के हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, राइट? ठीक है, अब मुझे बताओ GD GE का प्रोसेस और साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो वो कैसे कोप किया उसके साथ? मैम वो तो बहुत ही नया चीज था मेरे लिए, साइकोमेट्रिक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे, बट फिर भी ट्राई करे, और उसकी वो
उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं साइकोमेट्रिक के, वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है. तो फिर उसको उसके लिए उतना डर नहीं था मुझे कि अगर मैं इसमें कुछ गलत भी कर दूंगा तो आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं उतना मुझे टेंशन नहीं थी. बट GDGE के लिए काफी ऐसी थी क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक अगर आ जाता जो पढ़ाना हो, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक हो, मेरे जो सिलेबस हो, तो फिर वो कैसे मैनेज करता. तो बट लकीली ऐसा नहीं हुआ. हमको GDGE में ये टॉपिक आया था दैट हाउ टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड आवर लाइव्स, आवर ह्यूमन लाइव्स. तो ये काफी इजी टॉपिक था और इसमें सारे बच्चों ने सब अच्छे 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 पॉइंट्स बोले और मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मेरे को GDGE कंक्लूड करने का मौका मिला, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट. एक एज भी मिल गया आपको. यस मैम. हालांकि काफी स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने भी किया था ऑनलाइन GDGE की प्रैक्टिस. यस मैम, वी हैव प्रैक्टिस किया था. हां, उनका ग्रुप बना के भी प्रैक्टिस. बट टॉपिक्स देखा गया SBPO में, लगता है लोगों को डर GDGE से. टॉपिक्स काफी कॉमन देते हैं जिसपे इंसान बोल सकता है, लाइक यू कैन इजीली पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस, योर थॉट्स. कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहता है, जो नॉर्मल डेली बेसिस पे हम सुनते हैं उसी से रिलेटेड रहता है. तो ये बहुत लोग पैनिक करते हैं, पता नहीं ये फियर फैक्टर क्यों होता है कि भाई टॉपिक कैसा आ जाएगा GDGE का. बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का तो खैर बड़ा डर होता है. बट ये भी मैं मैसेज देना चाहूंगी, देखिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. और आप मतलब ये होता है ना कि आप जब डेयर कर लो कि हाँ हो जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं लक भी साथ दे देता है. कि जैसे आपको भी कंक्लूजन का टाइम मिल गया, कंक्लूजन देने का, तो वो एक एज इट क्रिएट्स. इंट्रोडक्शन कर रहे हो GDGE का या कंक्लूजन कर रहे हो, तो एक हेल्प मिल जाती है वो. राइट. अच्छा, सबसे डेडली जो मुझे भी लगता है ना आर्यन, वो होता है इंटरव्यू. मतलब GDGE तो मुझे बहुत ही इजी लगता है कंपैरिजन टू इंटरव्यू. जो पैनल बैठा रहता है तो नर्वसनेस तो बहुत होती है. और SBPO जैसा इतना स्टेज कवर करने के बाद जब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, क्या था आपके लिए. मैम, मैं इंटरव्यू का जो मेरा पैनल था, मैं उसमें सबसे यंग था वहाँ पे. बाकी जो भी थे मेरे से सब बड़े थे, तो थोड़ा मेरे को कर रहे थे आके, मतलब बता रहे थे, थोड़ा गाइड कर रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा काम रहना होता है और अंदर अच्छे से बात करनी होती है. और मैंने वहाँ पे पूछा भी था स्टाफ से कि कैसा कैसा होगा, तो सब उन्होंने समझाया मुझे. फिर जब लकीली जो मेरा इंटरव्यू था वो बिल्कुल लास्ट में जाके था, बिल्कुल लास्ट के इवनिंग के अराउंड 7 PM मेरी बारी आई थी. तो और उस टाइम जो अंदर इंटरव्यूअर पैनल में बैठे थे जो थे, उन्होंने मुझसे जो थे क्वेश्चंस, वो बहुत इजी क्वेश्चंस ही पूछे. ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड था या, और मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट था मैम, और मतलब लेस देन 10 मिनट्स का होगा. ओके. बिकॉज आई थिंक मेरा लास्ट में भी था, तो मैं थोड़ा वो था कि उनको जल्दी कंक्लूड करना था इंटरव्यू को, तो उन्होंने उतने मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे मेरे से, बिल्कुल इजी एंड बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है. तो बेसिकली आपको ऐसा लगा कि कम टाइम दिया बाकियों से, कि स्टार्टिंग में लोगों को ज्यादा टाइम दे रहे थे, तो एंड में आया तो आपका उतना जल्दी हो गया. मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू बहुत थोड़ा ऐसा लक वाला फैक्टर भी होता है कि आपकी टाइमिंग कब आती है, मॉर्निंग में आती है, इवनिंग में होती है. मेंस की मार्क्स अगर आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, यस मैम, तो इंटरव्यू में एवरेज भी हो, देन यू गेट अ अपर हैंड, वो तो रहता ही है हमेशा. तो मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि मेंस पे ज्यादा फोकस करो स्टूडेंट्स को. इट विल बी एन इजी राइड इफ यू रियली डू वेल, रियली वेल इन मेंस, इट विल बी एन इजी राइड ओवरऑल. 75% वेटेज मेंस की होगी फाइनल मेरिट लिस्ट में, और 25% इंटरव्यू की होगी, तो मेंस का तो ज्यादा बनता ही है हार्ड वर्क. फिर एवरेज तुम इंटरव्यू में भी कर लो तो चांस बढ़ ही जाता है. एवरेजेस. अच्छा आर्यन, ये बताओ टेस्ट बुक ने कैसे हेल्प करी इस पूरी आपकी जर्नी में. मैम, टेस्ट बुक तो शुरू से मैं टेस्ट बुक पे ही स्टिक कर रहा हूँ. जो भी मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स दिए, जबकि मैंने बैंकिंग के अलावा एक और एग्जाम भी दिया था, उसकी भी मैंने प्रिपरेशन टेस्ट बुक से ही करी थी. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम था. अच्छा. उसकी प्रिपरेशन भी मैंने टेस्ट बुक से ही करी. और मैंने सारे कोर्सेज अपने सुपर कोचिंग जो था, बैंक का सुपर पैक, वो खरीदा था. उसमें सारे ऑल इन वन कोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं. और उसी के साथ प्रिपरेशन शुरू करी थी अगस्त में लास्ट ईयर से. उस टाइम RRB का बैच चल रहा था. अच्छा, ओके. बेसिक से वहीं से स्टार्ट किया था. ओके. फिर जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स थे, आप थे, विदु सर थे, प्रिया मैम थी, गोपिका मैम थी, अंशुल सैनी सर थे जो रीजनिंग पढ़ाते थे, तो उन्होंने मतलब आप सब ने काफी हेल्प करी. शुरू से बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करा नॉलेज. मेरे को तो कुछ आइडिया भी नहीं था सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या होता है बैंक एग्जाम्स में, क्वांट इंग्लिश में क्या आता है. इंग्लिश तो स्कूल के बाद से पढ़ी नहीं थी, और रीजनिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट था कि ये क्या होता है रीजनिंग.
और क्वांट भी जो होता है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कभी देखे नहीं थे, डीआई जो था वो नहीं देखा था कभी भी, तो क्या होता है। तो सब कुछ शुरू किया टेक्स्ट बुक से ही मैंने, मतलब सब कुछ शुरू किया टेक्स्ट बुक ने मुझे गाइड किया। मैंने सबका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था सारी फैकल्टी मेंबर्स का, और वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड होते थे क्लासरूम के, क्वेश्चंस प्रोवाइड होते थे और बहुत हेल्प हो जाती थी, और गाइड भी करते थे टीचर्स, वो सबसे अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक के टीचर्स काफी फ्रेंडली है और गाइड भी बहुत अच्छे से करते हैं। तभी एक मुझे याद है कि हमारा एसोसिएशन रहा है, कि मैंने पहले भी आपका आपसे बात करी। हाँ, yes, ma'am. तो हाँ, अच्छी बात है कि यहाँ से एक और चीज है, आपने सारे एग्जाम्स कवर किए रहे हो। और एक और बात होती है ना कि यार आपने सीरियसली फॉलो भी किया है, जैसे आपने सुपर पैक बोला ना कि आपने लिया, तो मेरे को मेरा गोल था यू हैव सीरियसली फॉलोड द सेशंस एंड एवरीथिंग। सो आपको पता है कि हेल्प कहाँ से लेनी है, मेंटर्स हैं यहाँ पे, फैकल्टी है जो हेल्प कर देगी। तो कई बार कई लोग नहीं कम्युनिकेट करते, तो मैं वो स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप आए हो, टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया है, तो वी आर ऑल देयर। लाइक आपको आर्यन जैसे आपने बोला, टीचर से मैम पूरी वो लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। और जब हम अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए, तो यू शुड नॉट लाइक स्टे क्वाइट, राइट टाइम पे आपको जहां जरूरत है, डाउट्स है, पूछते रहो, सब हेल्प ले लो। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आर्यन ने एक तो टेलीग्राम पे मैसेज भेजा है ना, क्लियर पूरा अपना हाईलाइट करके, मुझे याद है टेलीग्राम पे मैसेज आया आर्यन का, हाईलाइट करके पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, मैम फाइनली क्लियर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू। मैं ये बोलना चाहूंगी आर्यन, मैंने सबसे पहले आपको ही भेजा था। मेरे को तो इतना मैं इम्प्रेस हो गई कि भैया आर्यन ने जो स्क्रीनशॉट भेजा है पूरा प्रॉपर हाईलाइट करके, मैम मेरा रोल नंबर है इसमें, आप देख लो। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस, एंड क्योंकि हमारी बात हुई थी पहले भी, तो लाइक एक्सपेक्टेड तो था भी आर्यन, है ना। तो आपने पहले ही बोल दिया था जब SBIPO मेंस का वो इंटरव्यू लिया था, तब आपने उसके बाद ही बोल दिया था कि आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा फाइनल, बोला होगा ना, मिल गया था मुझे। हां, उससे कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा भी लगा था सुन के। तो ये लोगों को बता दो कि मैं मतलब इंटरव्यू के टाइम बता सकती हूँ, प्रिडिक्ट कर सकती हूँ किसका होने वाला है। तो हाँ, ऑब्वियसली पता चल जाता है ना, व्हेन मैं मॉक इंटरव्यू भी लेती हूँ तो एक आइडिया लग जाता है, व्हेन वी आर गिविंग फीडबैक कि किस तरीके से जा रहा है, क्या है मतलब प्रिपरेशन और क्या कर सकते हो उसमें। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है ना टीचर को, चलो कि इसका एक्सपेक्टेड था हो गया, तो वो मैसेज आया, वाज सो हैप्पी। मैं ये बताना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर आर्यन ने मैसेज किया, और याद मेरी मम्मी ने सबसे पहले आपको ही सेंड करने को बोला था, क्योंकि वो भी आपकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। मेरी मम्मी भी मम्मी क्या बोलती है कभी कभी बताती है, आपकी टीचिंग का स्टाइल बहुत प्रेज किया है मेरे पास की, हर्षिता मैम मतलब बेस्ट फैकल्टी है इंग्लिश की थ्रू आउट ऑल द यूट्यूब वीडियोस जो भी मम्मी ने देखी है, सब चैनल्स की जितने भी है, तो उनको आपकी वीडियो सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मम्मी को तक आपकी वीडियोस का सारा कंटेंट समझ में आता है और उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। अरे वाह यार, थैंक यू बोलना आंटी को। Yes, really, really, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया आर्यन। मैं बहुत वीडियोस देखी हूं मैंने आपकी, मैं भी भेजता था उनको। ये अच्छा है यार, मम्मी का सपोर्ट, मतलब पूरी जर्नी में वो देख रही है कि हाँ मतलब कहाँ कहाँ क्या पढ़ रहा है और पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये भी बड़ा बढ़िया बात है ये। हाँ yes, अच्छा, अदर देन ठीक है ये जर्नी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत आपने टाइम लिया, तो ये मतलब बिल्कुल यंग पीओ तुम बनोगे SBIPO, SBI उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, बहुत ही बढ़िया ये। तो इसके बाद क्या है, कुछ गोल सोचा है? यस मैम, सोच के रखा है। हाँ, बहुत जल्दी, अभी तो तुम ज्वाइन भी नहीं किया है, अभी तो एक्सपीरियंस लेना है, बट गोल नेक्स्ट वाला पहले सोच के रख लेते हैं सर। यस मैम, चलो। मैंने सोचा इस साल की जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं वो प्रमोशन के एग्जाम्स दूंगा JIB एंड CIB का, उसके लिए ट्राई करूंगा इस साल से। टेलीग्राम पे ऐसे आते हैं आर्यन कि खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें, क्योंकि अभी देखो जुलाई से एग्जाम्स का सर्कल स्टार्ट होता है, आपको भी पता है ये, एंड कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बीच में कुछ मोमेंट्स आते हैं इनकी लाइफ में, हर बहुत नॉर्मल है किसी स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं कि नहीं हो रहा यार, या कुछ कुछ टाइम से ज्यादा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ उनको बताओ कि क्या उन्हें करना चाहिए और कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, वो बताओ। मैम, जो मैंने फॉलो किया मैं उसका अपने एक्सपीरियंस का बता सकता हूँ, कि मैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत अवॉइड करता था अपनी लाइफ में,
मैंने पिछले एक दो साल से जितने भी सोशल मीडिया एप्स थे वो सब डिलीट करे है, और अभी भी मेरे फोन में कोई ऐप नहीं है जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही होता है एक तरह से। ओनली टेलीग्राम मैं यूज करता हूँ, वो भी स्टडी के पर्पस से, जिसमें टेक्स्ट बुक की पीडीएफ आती थी और स्टडी मटेरियल आता था। तो दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, ये सब टेम्परेरली थोड़े टाइम के लिए लोग बंद कर सकते हैं, जबकि जब तक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ही हेल्पफुल और फ्रूटफुल होगा बाद में। और जितना आप उतना हो सके उतना अपने आप को एक वो दिलासा दो कि आप निकाल सकते हो, और कंपटीशन से बिल्कुल मत डरो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस हर रोज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में ट्रस्ट बिल्ड होगा। गॉट इट। एक तरीके से आपने बोला सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट करना है जितना आपका यूज का है। और दूसरा चीज, कंपटीशन से यू शुड नॉट बी स्केर्ड। बहुत बच्चे में डीमोटिवेट हो जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर देख के पूछते हैं कितने लोग थे, कैसे होगा, ये प्रिपरेशन है। बट मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि जो सीरियसली जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो आपका कंपटीशन एक्चुअली बहुत कम है सीरियसली जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं ना उनके साथ। अब पीयर भले ही लाखों बच्चे होंगे बट उनमें से सीरियस कुछ थाउजेंड ही होंगे सिर्फ, उनके साथ ही आपका कॉम्पिटिशन है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है आर्यन ने कि, और ये वैसे भी सेकेंडरी चीजें हैं, तो अपने गोल पे ध्यान दो। नोटिफिकेशन मतलब वैकेंसीज कितनी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इन सब चीजों से नहीं, हाँ कंपटीशन से नहीं डरना है, और खुद को दिलासा देना है कि हाँ कर लेंगे टाइप। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आर्यन आपकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच। मैं गाइस सबको बोलूंगी आर्यन से जितने क्वेश्चन पूछे, देखो अब तो बन गया है वो पीओ। उसके कमेंट पे रिप्लाई किया था कि अभी मैं बना नहीं हूँ तो अभी मैं तुम्हारा आंसर नहीं कर सकता हूँ, तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो अब वो कमेंट कर सकता है, तो मैं उसको बताने के लिए रेडी हूँ। अब मैं बन गया हूँ, अब SBIPO बन गए आर्यन फाइनली। तो जितने क्वेरीज हैं सर से आप पूछिए, डेफिनेटली अभी आर्यन कमेंट्स में देख के आप इनको रिप्लाई करना। आपसे जो मोटिवेशन मिलेगा ना मैं स्टूडेंट्स को कहीं और से नहीं, जो जो कैंडिडेट क्लियर कर लेता है ना वो आप सेम एक्सपीरियंस, आप उस एक्सपीरियंस से गए हो, आपने वो फेस किए हैं चीजें, तो आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। तो गाइस कमेंट्स पे आप पूछ लीजिए आर्यन से जो आपको पूछना है, और जरूर हम आर्यन रिप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे आप लोगों का। और आर्यन आपको बहुत 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 थैंक यू, ठीक है, टेक्स्ट बुक से जुड़े रहने के लिए, और डेफिनेटली आप टीचर्स को नहीं भूले अपने, हाँ ऑब्वियसली सिलेक्शन के बाद उसके लिए। और यू कम अक्रॉस एज वेरी हम्बल पर्सन, तो मैं तो ये चाहूंगी कि और बहुत कुछ अचीव करो लाइफ में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, फ्यूचर जर्नी, लाइफ एक्सपीरियंसेस। प्लस थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे, तो थैंक यू सो मच। एंड मैं इसलिए भी बोलूंगी स्पेशल थैंक यू आर्यन को, देखो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब इन्हें, मैंने बस एक बार बोला आर्यन आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए, मैम आप जब बोलो, इनका ये लाइन था, मैम आप जब बोलो मैं हूँ अवेलेबल, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड द टेक्स्ट बुक टीम इज ग्रेटफुल टू यू। तो मैं आपसे आगे भी बात करूंगी आर्यन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।